नोटबंदी के एक साल बाद भी रिजर्व बैंक पुराने नोटों की गिनती पूरी नहीं कर पाया है। 500 और 1000 रुपए के पुराने करेंसी नोटों की गिनती अब भी जारी है। हालांकि आरबीआई ने बताया कि ये काम बड़ी सावधानी से अत्याधुनिक करेंसी वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए हो रहा है। एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने कहा कि वो बंद हो चुके 500 रुपए के 1,134 करोड़ और 1,000 रुपए के 524.90 करोड़ इकाइयों की गिनती 30 सितंबर तक कर चुका था। अब तक गिनती पूरी हो चुके 500 रुपए के नोटों की वैल्यू 5.67 लाख करोड़ और 1,000 के नोटों की वैल्यू 5.24 लाख करोड़ रुपए है। आरटीआई में नोटबंदी के दौरान बंद हुए नोटों की गिनती पूरा होने की अंतिम तारीख को लेकर सवाल पूछा गया था। इस सवाल के जवाब में आरबीआई ने बताया कि सर्कुलेशन से हटा लिए गए करेंसी नोटों की गिनती जारी है और नोटों की गिनती के लिए कम से कम 66 अत्याधुनिक करेंसी वेरिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। काला धन और फेक करेंसी पर रोक के मकसद से मोदी सरकार ने पिछले साल 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट बंद कर दिए थे। आरबीआई ने 30 अगस्त को जारी 2016-17 की सालाना रिपोर्ट में कहा था कि बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के 99% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।